हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेसीबी इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन में। तो आइए दोस्तों, हम आज BS4 के जो सिंबल आते हैं मीटर पे उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये है कैश और अभी सभी मशीनों जो BS4 मशीन है उसमें ये सिंबल आते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले ये फ्यूल का सिंबल है जो पीले कलर से आता है। ये है वाटर फ्यूल एंड वाटर का कंटामिनेशन को दर्शाता है दोस्तों ये जो है पॉइंट, ये पीली लाइट। दूसरा दोस्तों, ये है कोल्ड स्टार्ट के लिए, ये जो अंदर बना हुआ है ये कोल्ड स्टार्ट के लिए है। यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा पिक्चर इसका विजुअल। तो ये है खरगोश मोड़ के लिए, अगर खरगोश मोड़ लगाएंगे अपन फास्ट मोड़ लगाते हैं तो ये लाइट चालू हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, ये है फ्यूल लेवल के लिए मीटर दिया हुआ है कितने पॉइंट फ्यूल है। और दोस्तों यहाँ DEF के लिए भी मीटर दिया हुआ है, ये यूरिया टैंक के लिए है, यूरिया हमारे टैंक में कितना परसेंटेज है हम इसे निकाल सकते हैं। आधे से थोड़ा कम होने पर इसको फिल दोबारा करना है जिससे प्रॉब्लम ना आए। यूरिया वाली मशीनों में ये ध्यान रखना है कि यूरिया ख़त्म होने से पहले दोबारा फिल हो जाना चाहिए दोस्तों। ये है हाइड्रोलिक फिल्टर का, अगर हाइड्रोलिक फिल्टर आपका पार्टिकल या कुछ आता है चोक होता है तो ये लाइट आपकी चालू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोलिक फिल्टर आपका रेसिस्टिव पैदा हो गया है, उसमें चोक हो रहा है दोस्तों। ये है अपना एयर फिल्टर, एयर फिल्टर भी चोक होगा दोस्तों तो ये लाइट जो है मीटर पे आएगी, जो है कि अपने एयर फिल्टर को दर्शाती है। ये है पार्किंग ब्रेक दोस्तों, अगर पार्किंग ब्रेक ऑन है तो ये लाइट आपके मीटर पे आती रहेगी। तो आपको देखना है कि मशीन चलाने से पहले इसको डिसएंगेज करना है दोस्तों। ये है बैटरी चार्जिंग, जो बैटरी का सिंबल है दोस्तों ये चार्जिंग को दर्शाता है। इसका मतलब है अगर ये लाइट आ रही है आपके मीटर पे तो आपका मशीन में चार्जिंग का प्रॉब्लम है, आपकी मशीन बैटरी चार्ज नहीं कर रही है दोस्तों। अभी जो मशीनों में स्टॉप लैंप आ रहा है, अगर मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये स्टॉप का सिंबल आ जाता है दोस्तों। क्या है, इस समय की जो मशीनें हैं उसमें इश्यू लगा हुआ है और ये सारी इन्फॉर्मेशन इश्यू के पास से ही आती है हमारे पास। और अगर इसके बाद भी अगर हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो कुछ एरर कोड करके यहाँ आ जाएगा जिससे मशीन प्रॉपर फंक्शन काम नहीं करेंगे दोस्तों। ये है और जो है इंजन ऑयल प्रेशर के लिए है, ये सभी मशीनों को अभी पुरानी सभी का इंजन ऑयल जो प्रेशर का है सभी में आया है ये और बैटरी वाला सभी मशीनों को मीटर में मिलेगा आपको ये दोनों। ये आएगा तो डेंजर है, ये आएगा तो बैटरी के लिए डेंजर है, बैटरी चार्ज नहीं होगी, और ये आएगा तो इंजन के लिए डेंजर है दोस्तों। इन दोनों को ध्यान देना है कि ये दोनों लाइट ना आए मीटर में। वैसे तो ये सारी जो लाइट है ये पार्किंग छोड़ के, पार्किंग डिसइंगेज करने के बाद ये लाइट ख़त्म हो जाती है, बाकी लाइट सब खतरनाक ही हैं, डेंजर पॉइंट पे ही कहलाती हैं, रेड लाइट जितनी भी होती हैं दोस्तों। ये है न्यूट्रल और ये है इको मोड के लिए, ये ग्रीन जो बना हुआ है अंदर ये क्लियर नहीं हो रहा कुछ फ्लैश के कारण, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये है इको मोड के लिए दोस्तों। ये है इंडिकेटर, इंडिकेटर अगर है तो ये आपका, और ये दोस्तों हेडलाइट, आपकी स्क्रीन पे अगर हेडलाइट का बटन चालू है तो ये लाइट जलेगी दोस्तों। अगर पार्किंग का कोई बटन आपने गलती से दबा दिया तो ये लाइट यहाँ जलने लगी, इसका मतलब कोई स्विच आपने ऑन कर दिया जिसके कारण यहाँ पर लाइट आ रही है ये पार्किंग। ये है दोस्तों कूलेंट टेम्परेचर मीटर दोस्तों, ये कूलेंट का टेम्परेचर आपको मीटर पर दिखाएगा, कुछ मैं डिजिटल
पॉइंट रहते हैं इसमें, ये मीटर वाला है। यह बैटरी चार्ज की परसेंटेज कितनी है, तो ये आपको मीटर में दिखाएगी इसमें कितने परसेंट आपकी बैटरी चार्ज है। दोस्तों ये आरपीएम जो कि पॉइंट में लिखा है, 1, 2, 3, इसका मतलब है दोस्तों ये 1000 राउंड पर मिनट, 2000 राउंड पर मिनट, तो 3000 राउंड पर मिनट। तो ये जितने में रहेगा, 2 में रहेगा तो 2000 राउंड पर मिनट इंजन की स्पीड रहेगी, और 3 में ये यहाँ आ सकता है 2500 में, ये हाईएस्ट है इसका। 3 ज़्यादातर यहाँ तक ही आता है, हाईएस्ट रेड दिया है इसलिए कि इससे ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 25 तक ठीक है गुड कंडीशन में। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा हावर्स मीटर। दोस्तों अभी जितनी भी मशीन है VS4, लगभग सभी में ये पॉइंट आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जिस मशीनों में ट्रांसमिशन लगा हुआ है, तो ट्रांसमिशन के लिए अलग से कुछ पॉइंट्स रहेंगे या कुछ चेंजेस हैं मशीनों में। ये है लोडर का, व्हील लोडर सिंगल ड्रम का है, ये व्हील लोडर सिंगल ड्रम कैश मशीन का। और आपको अगर किसी और मशीन में भी ये लाइट दिखती है, तो मैंने जैसे बताया लगभग सबका फंक्शन सेम रहेगा। ये JCB की भी मशीनों में ये लाइट जो है, ये फंक्शन यहाँ तक पूरा है। इसमें अगर बैकों की बात करें, तो इसमें ट्रांसमिशन की कुछ लाइटें नहीं है, तो वो मैंने और आपको जानकारी दे दूंगा दूसरी वीडियो में। एक ऑलरेडी डाल रखी है दूसरी मशीन के लिए, बैकों के लिए। आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।